काट करके और रोजाना उस माधोपुर में बेचता और उसी से ही अपने दो वक्त का खाना उसे मिलने लगा। निराणी को अलग कर दिया, लेकिन वो 8 साल का बच्चा आज बिना और माँ बाप के हो गया। लड़का ज्यादा कुछ नहीं जानता, एक बात जानता है कि मेरी माँ लकड़ियां काट करके और मेरा पेट भरा करती, तो मैं भी आज से यही रोजगार शुरू करूंगा। सजनों, वो 8 साल का लड़का चला है और माधोपुर में जाकर के एक बनिया के जैसे ही लकड़ियां डाली, हाथ आगे बढ़ा दिया। क्या चाहिए, आंख में आंसू आ गए। और के मंगू कुछ नहीं पता, ओ और के मंगू कुछ नहीं पता, मैं 3 दिन का भूखा सूं, अन्न पानी खाया को ना। 3 दिन का भूखा सूं, अन्न पानी खाया को ना। अन्न पानी खाया को ना, अन्न पानी खाया को ना। 3 दिन का भूखा सूं, अन्न पानी खाया। सुअन पानी खाया कोई, लाला ने तो रोटी दे दी। सजनों, लड़का रोटी को देख करके राजी हो गया और जैसे ही भोजन किया थोड़ी संतुष्टि मिली, रोजाना का नित्य कर्म कर लिया कि बियाबान में जाना और एक बरोटा सुबह लेकर के दोपहर को आना। दोपहर का भोजन मिलने के बाद वापस जाकर के और अपनी शाम की रोटी का प्रबंध कर, 2 टाइम का रोजगार हो गया। एक दिन माया भगवान की, वो लड़का बियाबान में लकड़ियां काटने गया और सजनों उस लड़के को एक चंदन की लकड़ी मिल जाती है। उस लड़के ने जब उस चंदन की लकड़ी को काटा और जब उस लड़की लकड़ी को उस भरोटे में लेकर के लाला के पास में आया और लाला ने जब वो चंदन की लकड़ी देखी, देखते नू बोले, अरे लड़के, अरे ये लकड़ी कहां से लेकर के आया है। बोले लाला जी, या कते कोई पानी में तो मिली गोलिया, ये भी जंगल में ही है। बोले एक काम कर, अब तक तो मैं तुझे 2 रोटी दिया करता था, लेकिन अगर तू सारी लकड़ी ऐसी ही लेकर के आएगा ना, तो मैं तुझे 3 रोटियां दूंगा। सजनों, उस लड़के को क्या चाहिए, बियाबान में गया और चंदन का भरोटा बांध करके लाया और जब लाला ने देखा तो लाला राजी हो गया। सजनों, लड़का 2 भरोटे लेकर के आता और 2 भरोटे में लड़का भी राजी, लाला जी भी राजी। सजनों, 6 साल बीत गए, लड़के की उम्र हो गई 14 साल, लेकिन अब तक समय ने कोई ऐसा रंग नहीं दिखाया जिससे उस लड़के के जीवन में कुछ नया हो। आज माधोपुर में राजा राय सिंह राज किया करते थे। राजा राय सिंह के बेटे नहीं, 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम बीना और छोटी का नाम बेला। सजनों, बेला थी जो जो चंचल प्रवृत्ति की थी और जो बीना थी वो पढ़ी लिखी विदुषी थी, समझदार थी। एक दिन राजा राय सिंह ने अपने जनाने बाग में एक बोर्ड लगा दिया कि इंसान किन कर्मों से पार होता है और औरत अपने कौन से कर्मों से पार होती है। सजनों,
बीना और बेला उनकी अनेकों सहेली बियाबान में आई, लेकिन सबने उस बोर्ड को पढ़ा लेकिन किसी ने उस बात का जवाब नहीं दिया। लेकिन वो बीना रुक जाती है। सहेली बोली, हे बीना आगे बढ़ो। बीना कहती है, आप जाइए, मैं थोड़ा रुक करके आऊंगा। बीना ने उन सवालों के जवाब दिए, और क्या जवाब दिए आइएगा सुनते हैं गौर से। ए अनपाणी खाया कोन्हार है, अनपाणी खाया कोन्हार, तीन दिना का भूखा सुअन पानी खाया कोन्हार, तीन दिना का भूखा सुअन पानी खाया कोन्हार। ला 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 जो होती है नार, और के हो कर्म मनुष्य के, कौन बता दे सार। अरे देख के बिना तुरंत रुकी, मौके के अनुसार, और कलम उठा के लिखने लगी होनहार बलकार, हो कलम उठा के लिखने लगी होनहार बलकार, कलम उठा के लिखने लगी होनहार। औरत पार होती है, गौर से सुनिएगा। ओ पतिव्रता नार पार, जब सत नहीं टिकाया जा, तीन दिना का भूखा सुअन पानी खाया कोन्हार, तीन दिना का भूखा सुअन पानी खाया। ओ बात बता दी खास, उत्तम मध्यम, एक उत्तम एक मध्यम, और तीसरा विनाश। उत्तम मैदान, उत्तम मैदान, मध्यम में आनंद, उत्तम मैदान, मध्यम में आनंद, और अंत में विनाश। ये सब बाता का लेख लिख दिया, इशा करया अभ्यास, सब बाता का लेख लिख दिया, इशा करया अभ्यास, सब बाता का लेख लिख दिया, इशा करया अभ्यास। और धर्म के करने ते होता, धर्म के करने ते होता मानव जीव परली पार, धर्म के करने ते होता मानव जीव परली पार। वो भी अपना भाव डांट ले, जो होती पतिव्रता नार, अपने अपने कर्म का खावे, अपने अपने भाग का खावे, लड़की लिखने लगी सार। अपने अपने भाग है, अपने अपने भाग का खावे, लड़की लिखने लगी सार। अब आगे आगे के होगा इस कथा का सुनियो सार, आगे आगे के होगा कथा का सुनियो सार, आगे आगे के होगा इस कथा का सुनियो सार। अब अगले हीरो हो, अगले ही रोज, अब अगले ही रोज चल के राय सिंह आया है, और सैन बोट लग्या दरवाजे पे, अपना ध्यान जचाया है, सवालों के जवाब लिखे देख के घबराया है, और किसने लिखे जवाब आज मेरे नहीं समझ में आया है, और किसने लिखे जवाब आज यो नहीं समझ में आया है, किसने लिखे जवाब आज यो नहीं समझ में आया है। पूछन लग्या बार बार
मुस्काई, पूछन लाग्या बार बार अब वो बेला मुस्काई। मैं नहीं बोलती झूठ पिता, तन कह दूंगी सच्चाई। सखी सहेली साथ चाल हम बियाबान में आई। गटा चढ़ी गण गोर नोर, गटा चढ़ी गण गोर मोर, और देवन लगे दिखाई। हम सारी आगे बढ़ गए थे, सारी आगे बढ़ गए पर बिना पे हुई करड़ाई। ये बोर्ड ये डटकी थी, ये डटकी थी उसी जगह में, कह दूं सब सच्चाई। ये डटकी थी उसी जगह में, कह दूं सब सच्चाई। ये डटकी थी उसी जगह में, कह दूं सब सच्चाई। बिना से पूछा, हे बिना क्या बेटा तुमने सवालों के जवाब लिखे? बोले हाँ पिताजी। बेटा इंसान तो मनुष्य, ये इंसान अपने धर्म से पार होता है, मैं मान गया। औरत क्या अपने पतिव्रत धर्म से पार हो सकती है? बोले पिताजी ये बात भी कोई पूछने की है, ये तो दुनिया कहती है। और बेटी तूने ये लिख दिया कि सब अपने भाग्य का खाते हैं। बोले ये बात भी सही है। बोले बेटी मैं तेरा पिता हूं, मैं राजा हूं, क्या तू मेरे बिना जीवित रह सकती है? बोले पिताजी जब राम छोड़ दे डोर हाथ ते तो सारण वाला कौन, परमेश्वर के बिना बता उबारण वाला कौन, वो ही करता धरता से फिर तारण वाला कौन, जो जीन जो जान जेवड़ी डाल दई तो मारण वाला। बेटी नू हो रहा से पाप, ओस करके बोलिए बेटी क्यों कर रही घना पाप। तू लगे धर्म की मेरी सुता और मैं लागू तेरा बाप, तेरे बोला ने सुन सुन के मैं हो रहा सू गरगा। मन छेड़े मत मैं छतरी सू ना तो करूं भयंकर पाप, छेड़े मत मैं छतरी सू ना करूं भयंकर पाप। अब लड़की बोली सुना पिता, लड़की बोली पिता यो भांडा फोड़ दूं भरम का। लड़की बोली सुनो पिता, लड़की बोली पिता मैं भांडा फोड़ दूं भरम का, कहूं सच्चाई न तोल बोल सुन ले मेरा मरम का। मानव का तो धर्म बने, मानव का तो मानव का रोजगार इशा पार तरह धर्म का। और कोई किसी का कुछ ना कर सकता, खावे सभी कर्म का। कोई किसी का कुछ ना कर, खावे सभी कर्म का। कोई किसी का कुछ ना करे, खावे सभी कर्म का। राजा ने गुस्सा आ गया, बोला बिना चुपचाप हो जा, हे मैं तुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, लेकिन आज तू अपने पिता से इस प्रकार की बातें कह रही है। बोले पिताजी ये सच्चाई है, और आप एक राजा, ये प्रजा आपके पुत्र के समान है, लेकिन आप इस राज मोह में इतने अंधे हो गए कि आप सब सच्चाई भूल गए। बोले हे बेटी मैं जानता हूं कि तू मेरी बेटी है, लेकिन जब तू कर्म की भाग की बात करती है ना, तो मैं देखता हूं तेरे भाग कैसे हैं। हे मत घबरावे तेरे कर्म का, मत घबरावे तेरे भाग का, ऐसा दिन दिखलाऊंगा तेरी शादी हे बेटी किसी मूड से करवाऊंगा, जिसके रेवण नैना और रेवण ने
छत ना हो बेटी, कोई ऐसा दुल्हा बुलाऊंगा उसके साथ ये बिना, मैं तने देख परनाऊंगा, फिर देख तेरा के होगा मैं तेरे घर चल आऊंगा, फिर देख तेरा के होगा मैं तेरे घर चल आऊंगा, फिर देख तेरा के होगा मैं तेरे घर चल आऊंगा। अब लड़की बनी सुना पिता, लड़की बनी सुना पिता, कहूं हकीकत सारी और मैं सू औलाद, मैं सू औलाद बाद कोन्या करना चाहिए, वो ही करता दरता से जो रची प्रजा दे धारी, और नहीं करूं इनकार पितायो जैसी मर्जी थारी, नहीं करूं इनकार पितायो जैसी मर्जी थारी, नहीं करूं इनकार पितायो जैसी मर्जी थारी। राजा बोले नाई ब्राह्मण, राजा बोले नाई ब्राह्मण मेरे पास में आवो, जिसका नाम पता घरगाम नहीं हो ऐसा लड़का लाओ, उसके संग मैं कर दूं शादी मेरा कहन पुगाओ। अंकुर शर्मा तत्काल हाल गुण नंदलाल के गाओ, अंकुर शर्मा तत्काल हाल गुण नंदलाल के गाओ, अंकुर शर्मा तत्काल हाल गुण नंदलाल के गाओ। और ऐसा लड़का लावो दिखावो, जिसने ऐसा लड़का लावो, जिसने नुबले महाराज कैया को लावा नुबले, उसमें कोई करामात होनी चाहिए एक, और ऐसा लड़का लावो मां बाप ने और लात लगाया कोल्या। बोली भगत और भगवान की जय। लड़का लाओ जिसके माँ बाप ने लाड लड़ाया कोन्या, और मैं तीन दिना का भूखा सुअन पानी खाया नहीं। ब्राह्मण नुबले महाराज देख लो कदे फिर आया करनी पड़े बोरी थाने गिरवानी पड़े। नुबले मैं यही तो करना चाहता हूं, मैं भी तो राजा हूं, हे बिना आज से मैं देखता हूं कि तेरे भाग क्या है, आज से मैं तेरा रिश्ता ऐसी जगह करूंगा जिसका ना नाम ना पता ना घर कुछ भी नहीं हो, और मेरी बेला का ऐसी जगह रिश्ता करूंगा जिसको दुनिया जानेगी। बोले पिताजी आपके गलत विचार है। बोले कैसे, अशुपति की सावित्री थी तने एक बर याद दिला दी, राजा ने कहा क्या याद दिलाना चाहती हो। वो अशुपति की बेटी थी और कंगले के संग ब्याही, और एक साल की उम्र बची ये नारद ने बतलाई। धर्म ते
पति की जान बचाई और जब अपने भाग काटे नहीं क्यों करते पिता बुराई। पिता ए पिताजी, एक अशुपति की वो सावित्री जिसने यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए, क्या मेरे भाग नहीं बदल सकते? आपको जो मंजूर है वो कर दीजिए, लेकिन करते वो ही पिता आज जो तेरे मन का गुरूर से, पर आखिर में तो वो ही होगा जो उस राम ने मंजूर से, आखिर में तो वही होगा जो उस राम को मंजूर है। और गुस्सा चढ़ गया पिताजी के, बोले जाओ नाई बामणो और अय्या को मूसल पकड़ के लाओ, जो सबसे गयो बीतो है ना उन्हें ही लाओ। बोले महाराज कोई दारू पियोड़ो चालेगो? बोले चिंता ही मन करो, अरे मैं तो अय्या का की तलाश में हूं। सजनो नाई ब्राह्मण चल दिए, माया थी भगवान की समय भी पलटा खा गया, पांच सात दस रोज चले अब पंडित मन में घबरा गया, कोई ईशावर न आया नजर वो दोनों दुख पा गया, पर बियाबान में चलता चलता वो ही लड़का आ गया। बियाबान में वो लड़का आया सर पे भरोटा, नाई बावन नु बोले रे राजा कहा रही है लकड़ारा कहा, बोले रे तेरा नाम क्या है? बोलो ना बेरो। और तेरा बाप को नाम? बोलो ना बेरो। और तेरी माँ को? बोलो ना बेरो। अरे बोलो एने ठा। बोले क्यों? बोलो ऐसे ऐसे बुरोकुण में लगो, और बोला झूठ तो नहीं बोल रहा है? बोला झूठ तो मैं कभी बोलता ही नहीं। सजनो तर्ज होगी 9-11 बना भाई तेरे जच्चे जेड़े बना।
जंगल में आया नादान उमर समर भारी कुछ नहीं समझ में आया सताया। अरे के बन की थी ऊक चूक के भूख ने गड़ा सताया यो कर्म कतरनी कई कई बरनी भेद बता दे छूट गई तेरी मौज बोझ से भारा ओ हाँ छूट गई तेरी मौज बोझ से भारा ओ बता दूं बात एरर मन राम सताता टूटा नाता गौर से सुनना मन राम सताता टूटा नाता मेरी माता मर गई थी और राम सताता छाकी थी करड़ाई बुराई चोकर दे गिर गई थी ओ छाकी थी बुराई छाकी थी करड़ाई बुराई चोकर दे गिर गई थी मन किसी बात का ना बेरा इशारा कर गई थी बेरा ना के और के होगी थी खामी के We'll be right back.
तेरा ब्याह करवाएंगे। हम नु बोलो रहबा दो, क्यों मजाक करते हो? शादी भी ऐसे घर में करवाएंगे जो बड़े बड़े रईसों की भी नहीं होती। ब्याह के नाम से अनजान था लड़का। बोले मुन तो नू बताओ ब्याह कैसे हो से। अब तो कहकर जिम्यो भैर देखो वह तो बेरोला के। बोले चाल आज जब तेरा होगा ना, जब तू देख लिए। बोले मुझे पता है तुम अकेले में ले जा करके मेरी हत्या करोगे। बोले बावड़े हत्या नहीं करेंगे, सच में तेरा ब्याह करवाएंगे। साथ तेरा प्यार करवावे।
दोबारा इसी तरज ने कहते नो दो यारा, यारा। ओ, 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 ओ ये होनार बलवान है ईशान यारा ओ, 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 बोली भगत और भगवान की जय हो।